हेलो दोस्तों, माही न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ विंडोज़ कंप्यूटर के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक शेयर करने वाले हैं। इस ट्रिक को अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने दोस्त के कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं तो आपको ये ट्रिक के मदद से सब कंप्यूटर का बॉस मानेगा। हाँ दोस्तों, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट मानेगा। हाँ दोस्तों, ये कंप्यूटर की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रिक है। और ये दोस्तों, ये जो कंप्यूटर का घड़ी है, क्लॉक है, उसी के ऊपर है। तो दोस्तों, ये कौन सा ट्रिक है मैं जरा सा आपको समझा देता हूँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो अभी अगर आप ऊपर मेरा कंप्यूटर का जो घड़ी है वो देखेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो इधर देखेंगे आपको सबसे पहले जो घंटा दिख रहा है, उसके बाद मिनट, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घंटा, मिनट, उसके बाद सेकेंड भी ऐड करेंगे तो आप आज के इस वीडियो को देख कर ऐड कर सकते हैं। और आज का ट्रिक दोस्तों यही है, आज हम आपको इस जगह सेकेंड ऐड कैसे करते हैं वो दिखाने वाले हैं। तो कैसे, चलिए हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस काम के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। आपको सिंपल सा एक काम करना है। इस काम के लिए सबसे पहला जो आपको करना है वो कि अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से आपको रन पर जाना है, विंडोज़ की प्लस आर को दबाकर। उसके बाद आपको इधर सिंपल सा एक कोड टाइप करना है, मतलब कमेंट टाइप करना है, REGEDIT, ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने क्या होगा, रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको अभी जो काम करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो कार्य करना है मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो कि आपको जाना होगा सेकंड जो ऑप्शन है एच की करंट यूज़र, ठीक है, आपको इस पर जाना है। सबसे पहले ये कुछ इस तरह शो होगा, आपको एरो की पर क्लिक करके इस पर जाना है। उसके बाद आपको सेकेंड जो ऑप्शन है जाना है वो है कि आपको सिंपल सा ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए आपको एरो की पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है, इधर से थोड़ा आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको इधर और एक ऑप्शन मिलेगा, वो है कि माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो आपको इधर से माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, नीचे आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगा, कुछ इस तरह शो होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक कर देना है। तो माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर के अंदर घुसने के बाद आपको एक और ऑप्शन पर जाना है जो आपको नीचे मिलेगा, वो है कि विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ कुछ इस तरह शो होगा, आपको ये जो विंडोज़ है, विंडोज़ के एरो की पर क्लिक करके आपको विंडोज़ पर आना है। उसके बाद आपको दोस्तों जाना है करंट वर्जन पर, करंट वर्जन कुछ इस तरह शो होगा, आपको ये जो करंट वर्जन दिख रहा है आपको इस करंट वर्जन के अंदर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है एक्सप्लोर फोल्डर में, ठीक है। तो एक्सप्लोर फोल्डर कुछ इस तरह शो होगा, आपको इस एक्सप्लोर फोल्डर पर क्लिक करना है जो एरो की है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपके सामने एक्सप्लोर फोल्डर खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना होगा एडवांस ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शन कुछ इस तरह शो होगा, आपको इस एडवांस ऑप्शन के ऊपर जाना है। इस पर इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पर जाना है। उसके बाद आपको इधर से डी वर्ड जो 32 वैल्यू है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये रीनेम करना होगा। इधर आपको एक जो है नाम देना होगा, जो मैं इधर सेव करके रखा हुआ हूँ, 100 सेकंड इन सिस्टम क्लॉक, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों ये इसको आप फिर से रीनेम कर दीजिएगा, रीनेम बटन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको जो है पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल सा आपको इसको इस तरह सेव कर लेना है। इसे सेव करने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद आपको जो अभी जो आपने बनाया है 100 सेकेंड इन सिस्टम क्लॉक, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद मॉडिफाई बटन पर क्लिक करना है। अभी आपको जो करना है वैल्यू डाटा है इसको 0 को ऑन कर देना है। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है या फिर मिनिमाइज कर देना है। अब आपको जो काम करना है, आपको सिंपल सा आपको स्टार्ट बटन पर जाना है। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद अपने कंप्यूटर को रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद ही आपको इधर रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको इधर सेकंड बटन देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग इसको रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे ऊपर, आपको मेरा घड़ी के ऊपर, तो आपको घंटा, मिनट और सेकंड देखने को मिलेगा। पहले सिर्फ और सिर्फ घंटा और मिनट था, अभी आप देखेंगे कि सेकंड भी हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप इजी तरीके से अपने जो घड़ी है कंप्यूटर स्क्रीन में, टैक्स्ट बार में जो घड़ी है उसके आपको उसका आप जो है सेकेंड को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बंद कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, विंडोज़ प्लस आर, उसके बाद रेजिट, उसके बाद आपको यस बटन पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको जो इधर जो आपने ऐड किया है, जो अभी जो हम लोगों ने ऐड किया था ना, जो सेकंड का 100 सेकंड, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको इसके ऊपर जो है
इसको डिलीट कर देना है, ठीक है, उस ये डिलीट कर देना है, या फिर आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, रीनेम करके इधर आपको सिंपल सा शो के जगह हाइड लिख देना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हाइड हो जाएगा, उसके बाद क्लोज कर देना है। तो इसी तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप क्लॉक के ऊपर सेकेंड को ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों एक शॉर्टकट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये सारे के सारे प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक डाउनलोड फाइल है, ये रार फाइल में होगा, मैं दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको इस तरह एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा करने के बाद आपको दो फोल्डर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से एक मिलेगा शो सेकेंड इन सिस्टम क्लॉक और एक मिलेगा रिमूव सेकेंड जो है सिस्टम फॉर सिस्टम क्लॉक, ठीक है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर रजिस्टर करेंगे तो सेकेंड जो है बटन ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन जो है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।